आखिर अपने ही घर में रहने से क्यों डरी ये अभिनेत्री? खौफ ऐसा कि अपने घर में लोगों के आने जाने पर लगा दी बैन। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे की धाकड़ अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य के बारे में, जो कि इन दिनों खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। अपने ही घर में देवोलीना डर के साए में जी रही हैं। लेकिन अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस घर में वो पिछले कई सालों से अपने डॉगी के साथ अकेली रह रही थी, एकाएक उनको वहां पर रहने में डर लगने लगा और उन्हें अपनी माँ की याद सताने लगी। तो आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। दरअसल देवोलीना की पड़ोस वाली बिल्डिंग सैटेलाइट टावर में 3 दिन पहले यानी कि 25 मई को एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने एक तरफा प्यार के चक्कर में एक 30 साल की महिला की हत्या कर दी थी। यही नहीं, मर्डर के बाद उसकी लाश को बोरी में पैक कर रेलवे ट्रैक पर फेंक वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने देवोलीना को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। वो सदमे में है, इसलिए अब वो सिर्फ अपने पेट्स ही नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन देवोलीना की माँ असम में रहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान देवोलीना ने बताया कि मैं इस वारदात के बाद बहुत घबरा गई हूँ और अब मेरे लिए घर में अपने पेट के साथ अकेले रहना अचानक से डरावना हो गया है। ये इंसिडेंट उसी सोसाइटी में हुआ है जहाँ मैं रहती हूँ। देवोलीना का कहना है कि वैसे तो मुंबई महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है, लेकिन जब अनजान लोग उन्हें घूरते हैं तो वो थोड़ी डर जाती हैं। वो कहती हैं सेलिब्रिटी होने की कभी कभी वो भारी कीमत चुकाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के आसपास घूमने निकलने पर लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं। लोगों की नज़रें उन्हें डरा देती हैं। बता दें कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हुए इस वारदात ने देवोलीना को इतना डरा दिया है कि उन्होंने अपने फ्लैट में किसी भी नए शख्स की एंट्री बैन कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।